आगरा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। 24 जनवरी तक जारी होगी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची जारी होगी। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगी केंद्रों की सूची। इस बार एमपी बोर्ड का पैटर्न बदल दिया गया है, तो आइए जानते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और परिणाम कैसा रहेगा, प्रोजेक्ट के कितने नंबर हैं और परीक्षा के पेपर की संख्या कितनी है। एमपी बोर्ड परीक्षा 10वीं में 75 अंक सैद्धांतिक और 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एमपी बोर्ड की परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया है। अब अगले सत्र 2022 और 23 में 4 प्रश्न पत्र बदले हुए पैटर्न पर तैयार किए जाएंगे। इसके तहत रेगुलर और सेल्फ स्टडी वाले छात्रों को 75 अंकों की थ्योरी परीक्षा और 25 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा देनी होगी। वहीं यूपी बोर्ड को लेकर खुशखबरी आई है, जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन सभी छात्रों की बोर्ड परीक्षा फरवरी से आयोजित करवाई जाएगी। छात्र अपना सिलेबस दिसंबर तक पूरा कर लें। सभी छात्रों को आदेश दिया गया है कि इस बार कोरोना के चलते सभी छात्रों की बोर्ड परीक्षा फरवरी और मार्च में आयोजित होंगी, जिससे छात्रों के रिजल्ट में देरी न हो। इसलिए सीबीएसई ने 2 टर्म में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा को सिर्फ 1 टर्म में आयोजित करने का फैसला किया है। आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, वीडियो को कमेंट में हमें जरूर बताएं। बिना प्रैक्टिकल के विषयों में 25 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। तिमाही व अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर 25 में से 15 अंक का प्रोजेक्ट, 5 अंक की नोटबुक व 5 अंक की नोटबुक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये बदलाव अगले सत्र से कक्षा 9 और 10वीं में लागू होगा। वहीं सेल्फ स्टडी के छात्रों को 75 अंक का थ्योरी पेपर ही देना होगा। 75 अंकों के सैद्धांतिक पेपर के आधार पर 25 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। इससे स्वाध्याय के छात्रों को लाभ होगा। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल की पाठचर्या समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव तैयार कर परीक्षा समिति को भेजेंगे। वहां से अनुमति मिलने के बाद इसे नए सिरे से लागू किया जा रहा है। नियमानुसार इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर मासिम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।